हाय डियर लर्नर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेन सॉफ्ट ऑनलाइन क्लास पे एक बार फिर से सभी लर्नर्स का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल टॉपिक, जो अक्सर यूज़ करते समय, न्यूज़पेपर पढ़ते समय आपको मिलता होगा और इसके यूज़ करने में काफ़ी लोग कन्फ्यूज रहते हैं। आज का चैप्टर है, जिस टॉपिक पे आज हम बात करने जा रहे हैं, वो है रेदर और रेदर, रेदर दैन वुड रेदर। और ये लेक्चर पार्ट वन है, यानी कि इसके बाद एक लेक्चर और होगा, लेक्चर पार्ट टू होगा। तो इस पूरे को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, रेदर और रेदर को इस लेक्चर नंबर वन में पढ़ेंगे और रेदर दैन वुड रेदर को लेक्चर नंबर टू में पढ़ेंगे। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहे। और सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज रहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ग्रामर का और लिटरेचर का बहुत सारा टॉपिक आपको मिलेगा, टाइम टू टाइम रेगुलर बेसिस पे मिलेगा, जो आपके इंग्लिश को इम्प्रूव करेगा, ब्रशअप करेगा। तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जो नोटिफिकेशन का जो बेल बटन है उसको भी प्रेस करें, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले इसकी सूचना आपको मिले। तो चलिए देखते हैं आज रेदर और रेदर और रेदर दो का यूज लेक्चर नंबर वन में देखते हैं, लेक्चर नंबर टू में रेदर दैन और वुड रेदर का यूज हम देखेंगे। तो मूव करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, न्यूज़पेपर पढ़ते समय अक्सर आपको ये मिलेगा या बोलने के क्रम में भी लोग यूज़ करते हैं, तो बहुत बार हम मीनिंग को नहीं समझ पाते हैं, बहुत बार यूज़ करते हैं तो प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो आज इसके हर एक पॉसिबल यूज़ को हम देखेंगे विद एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण देके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आई मेक यू श्योर आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो योर डाउट विल बी क्लियर। आप वीडियो खत्म होते होते आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स वॉच दिस वीडियो, चलिए देखते हैं वीडियो को। इस वीडियो में हम देखना है हमें यूज ऑफ रेदर और रेदर, कहाँ पे यूज करना है रेदर को और रेदर को। पहले समझते हैं रेदर मीन्स और रेदर मीन्स अनएक्सपेक्टेड होता है, जिसका हम अनुमान नहीं करते हैं और वो अगर हो जाए उसको अनएक्सपेक्टेड बोलते हैं, बल्कि या उल्टा। हिंदी के सेंटेंस में इसका यूज होगा बल्कि या उल्टा। एक सिचुएशन के थ्रू मैं आपको सारे सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन करूंगा, एग्जांपल को बताऊंगा, जिससे आपको ज्यादा समझ में आया। जैसे पहला फर्स्ट सेंटेंस है, आई रैदर इंजॉयड माई सेल्फ इन पार्टी। इसका यूज हम कब करेंगे इसको समझिए। जैसे सपोज कीजिए कि एक ग्रुप है, बहुत सारे फ्रेंड हैं, मैं भी उसमें से हूँ, और एक पार्टी में कुछ लोग उसमें गए और उस पार्टी में आने के बाद कुछ फ्रेंड ने बोला कि मैंने पार्टी इंजॉय नहीं किया, पार्टी वॉज सो बोरिंग, आई डिड नॉट इंजॉय माई सेल्फ देयर। कुछ लोगों ने बोला कि पार्टी बोरिंग था, मैंने उसे इंजॉय नहीं किया। तो मैंने बोला आई रेदर इंजॉयड माई सेल्फ इन पार्टी, मैंने बोला उल्टा, मैंने पार्टी में इंजॉय किया। मतलब दूसरा कोई बोल, दूसरा फ्रेंड बोल रहे हैं पार्टी बोरिंग था और मैं बोल रहा हूँ कि उल्टा, मैंने पार्टी में इंजॉय किया। इसका नेगेटिव भी हम बना सकते हैं, आई डिड नॉट रैदर इंजॉयड माई सेल्फ इन पार्टी, मैं पार्टी में इंजॉय नहीं किया, उल्टा मैंने। अब किसी ने बोला कि पार्टी बहुत ही इंजॉयफुल था, बहुत ही इंजॉय किया हम लोगों ने पार्टी में, तो मैंने बोला कि उल्टा मैंने पार्टी में, बल्कि मैंने पार्टी में इंजॉय नहीं किया। इस सेंस में रैदर का हम यूज करते हैं। और यहाँ पे एक चीज और नोट करने वाली चीज है, रैदर के बाद माई सेल्फ का यूज किया है मैंने। माई सेल्फ यूज करना मैंडेटरी है, बिकॉज इंजॉय एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसके बाद माई सेल्फ होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट यू होता, यू रैदर इंजॉयड योर सेल्फ इन पार्टी, यू के साथ योर सेल्फ होता, आई है तो माई सेल्फ, दे हुआ देम सेल्फ, ऐसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना जरूरी है। सेकेंड सेंटेंस देखिए, आई रैदर हैव फाइव बुक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, आई रैदर हैव फाइव बुक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ऐसा हम कब बोलेंगे, सपोज कीजिए कि कुछ फ्रेंड, कुछ बच्चे हैं जो बैठे हुए हैं और किसी ने बोला कि मेरे पास ग्रामर की एक भी किताब नहीं है। तो मैं बोला कि मेरे पास, बल्कि मेरे पास तो ग्रामर की पांच किताबें हैं, उल्टा मेरे पास ग्रामर की पांच किताबें हैं। इस सेंस में यूज करेंगे आई रैदर फाइव बुक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, व्हेन यू गो देयर ही विल रैदर वेलकम यू। अब इस सेंटेंस को हम कहां यूज करेंगे, अब मुझे जाने में कहीं हेजिटेशन है, वहां लगता है कोई मुझे जानता नहीं है, तो किसी ने बोला कि व्हेन यू गो देयर, जब तुम वहां जाओगे, ही विल रैदर वेलकम यू, तो वो तुम्हारा स्वागत करेगा, उल्टा वो तुम्हारा स्वागत करेगा या बल्कि वो तुम्हारा स्वागत करेगा। यानी सारे सेंटेंस में आप नोट कर रहे हैं इसका मीनिंग बल्कि या उल्टा के सेंस में हम कर रहे हैं। आई विल हैव रैदर फिनिश्ड माय वर्क टुमारो, मैं अपना काम कल तक खत्म कर लूंगा।
बल्कि मैं अपना काम कल तक खत्म कर लूंगा, या उल्टा मैं अपना काम कल तक खत्म कर लूंगा। ऐसा कब बोलेंगे, जब कोई सपोज कीजिए किसी कंपनी में कोई बॉस है, उसको लगा कि काम बहुत सारा काम है हो नहीं पा रहा है, तो बोलेगा कि टाइम के हिसाब से आपका काम नहीं हो पा रहा है। तो मेरा रिप्लाई होगा आई विल हैव रेदर फिनिश्ड माई वर्क बाई टुमारो, मैं कल तक अपना काम खत्म कर लूंगा। इस सेंस में रेदर का यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रेदर का यूज जो सेंटेंस में करना है वो वर्ब के ठीक पहले करना है। जब उसका मीनिंग उल्टा या बल्कि के सेंस में आएगा तो वर्ब जो मेन वर्ब होगा उसके ठीक पहले करना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में देखिए, फर्स्ट सेंटेंस में वर्ब क्या है, इंजॉय, तो इंजॉय के पहले हमने रेदर का यूज किया। सेकेंड सेंटेंस में वर्ब है इंजॉय, उसके पहले हमने रेदर का यूज किया। अब थर्ड सेंटेंस में मेन वर्ब हैव है, यहाँ पे कोई मेन वर्ब एक्शन वर्ब कोई नहीं है, इसलिए इसमें मेन वर्ब हैव है, इसलिए हैव के पहले रेदर का यूज किया। नेक्स्ट सेंटेंस में व्हेन यू गो देयर, इसमें गो, व्हेन यू गो देयर ही विल रेदर वेलकम यू, वेलकम इसमें मेन वर्ब है तो वेलकम के पहले रेदर का यूज हुआ है। वी विल हैव रेदर फिनिश्ड माई वर्क, यहाँ पे फिनिश मेन वर्ब है तो उसके पहले रेदर का यूज हुआ है, यानी इट मीन्स डैट यू नीड टू यूज rather before main verb, main verb के पहले आपको rather का use करना है। I hope ये concept आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ऐसा बहुत सारा sentence बना सकते हैं, उल्टा या बल्कि के sense में आप use कर सकते हैं। आप और भी practice कीजिए, 5-10 sentence खुद से बनाइए, concept बिल्कुल clear हो जाएगा। चलिए move करते हैं next concept की ओर। rather का और भी बहुत सारा use है, दूसरे use की ओर move करते हैं। अब समझते हैं और रेदर का यूज कहाँ करते हैं, रेदर या और रेदर, और रेदर का यूज कहाँ करते हैं, टू करेक्ट आवर सेल्फ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज है और सबसे ज्यादा यूज रेदर का हम लोग इसी सेंस में करते हैं। पहला सेंटेंस देखते हैं, यू आर माई फ्रेंड और रेदर यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अब इस सेंटेंस में देखिए, जब हम अपने आप को करेक्ट करते हैं, कुछ और एडिशन उसमें करते हैं, कुछ और जोड़ते हैं, जैसे मैंने कहा कि तुम मेरे दोस्त हो, नहीं तुम मेरे दोस्त हो बल्कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। अगर मैंने कहा कि तुम मेरे दोस्त हो बल्कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त, मैंने तो बोल चुका, पहले मैं बोल चुका हूँ कि तुम मेरे दोस्त हो, फिर उसमें मैं करेक्ट कर रहा हूँ, उसको और कंसाइज कर रहा हूँ कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तो इस सेंस में हम यूज करेंगे रेदर का और बोलेंगे यू आर माई फ्रेंड और रेदर, और रेदर का यूज करेंगे, यू आर माई फ्रेंड और रेदर यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। सेकेंड सेंटेंस में यू आर ब्यूटीफुल और रेदर यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल, तुम सुंदर हो, और फिर उसमें करेक्ट कर रहे हैं, लग रहा है कि नहीं सुंदर बोलना इट्स नॉट इनफ, तो उसको क्या बोल रहे हैं, तुम सबसे सुंदर हो, तो यू आर ब्यूटीफुल और रेदर यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल। थर्ड सेंटेंस देखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट बुक फॉर एग्जामिनेशन, ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण किताब है, रीड इच पेज ऑफ दिस बुक। तो मैंने किसी को गाइड किया कि इस किताब के पूरे पेज को पढ़ो, एक एक पेज को पढ़ो, ये एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने क्या बोला, रेदर इच लाइन्स, नहीं फिर मैंने उसमें ऐड किया कि हर पेज को ही नहीं पढ़ो बल्कि हर एक लाइन को पढ़ो, इसमें और ऐड कर सकते हैं, और इच वर्ड्स बल्कि पूरे एक एक वर्ड को पढ़ो। तो ऐसे हम उसमें ऐड करते हैं, कंसाइज करते हैं, उसमें और कुछ जोड़ते हैं, तो उसमें हम रेदर का यूज करते हैं। लास्ट सेंटेंस देखिए, आई होप ये सेंटेंस देखते देखते आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई वॉन्ट टू बाई अ कार रेदर अ न्यू कार, आई वॉन्ट टू बाई अ कार रेदर अ न्यू कार। फिर मैं बोलता हूं मैं एक कार खरीदना चाहता हूं बल्कि मैं एक नया कार खरीदना चाहता हूं, तो उसमें कुछ मैं फिर ऐड कर रहा हूं, एडिशनल कुछ जोड़ रहा हूं, तो आई वॉन्ट टू बाई अ कार रेदर अ न्यू कार, मैं एक कार खरीदना चाहता हूं बल्कि मैं एक नया कार खरीदना चाहता हूं। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं और रेदर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज समझने वाला है कि फर्स्ट सेंटेंस को फिर से आप देखिए, यू आर माई फ्रेंड, वहां पे कॉमा होगा, उसके बाद और रेदर का यूज करेंगे, और रेदर यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यानी ये कॉमा के बाद फिर वो दूसरा क्लॉज वहां से स्टार्ट होगा। यू आर ब्यूटीफुल और रेदर यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल, दिस इज इंपॉर्टेंट बुक फॉर एग्जामिनेशन, रीच इच पेज ऑफ दिस बुक रेदर इच लाइन। लास्ट सेंटेंस है, आई वॉन्ट टू बाई अ कार Rather a new car, मैं एक कार खरीदने वाला हूं बल्कि एक नया कार खरीदने वाला हूं। तो ऐसे सेंटेंस में और रेदर का यूज करते हैं। इसका आप प्रैक्टिस करें, कीप प्रैक्टिसिंग, बार बार सेंटेंस को लिखे, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा रेदर में कंफ्यूजन होता है, इसलिए वीडियो को जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, वो जो दो बचा है उसको आप जरूर देखें, पूरा रेदर का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और
उस वीडियो को देखने के लिए मस्ट सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी दबाएं, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उस वीडियो को देख पाएंगे सारा वीडियो। इनफैक्ट सारा वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देयर इज नो कॉस्ट ऑफ सब्सक्राइबिंग द चैनल। प्लीज कीप वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।